आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहा होगा। What happens inside a Pokeball? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनों को लगता है पोकेमॉन्स और पोकेबॉल सिर्फ फिक्शन है, तो यार जरा साइंस के नजरिए से देखो, फिक्शन में साइंस आपको दिख जाएगा। अब आप पूछोगे वो कैसे, तो देखो जब भी पोकेमॉन पोकेबॉल से बाहर आता है ना, वो एक व्हाइट लाइट या फिर कहो एनर्जी के साथ बाहर आता है, और जब उसे वापस पोकेबॉल के अंदर बुला लिया जाता है तब वो एक रेड लाइट या फिर कहो एक एनर्जी के फॉर्म में अंदर चले जाता है। अब बच्चा लोग, इससे क्या समझ में आया तुम्हें? हाँ, पोकेमॉन के मेकर्स ने वहाँ हमारे परम पूज्य महाज्ञानी श्री श्री अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिए हुए फॉर्मूला E=mc² का इस्तेमाल किया है, जो ये क्लियरली दर्शाता है एनर्जी और मास एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है। मतलब एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को एनर्जी में। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन गलत लग रहा है ना, तो बॉस फिकर नहीं, एक ऐसा एग्जांपल फेंक के मारूंगा ना, सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड हियर वी गो, मेरा एग्जांपल स्टार्ट होता है क्वेश्चन के साथ। आपसे बताओ, एक एटम बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब कितना बड़ा होता है? अगर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एटम बॉम्ब ज़ार बॉम्बा की भी बात कर ले, तो भी वो सिर्फ 26 फीट बड़ा और 25,000 किलोस का था। और आप ये तो मानते ही हो ना कि एटम बॉम्ब्स के अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है। बस फिर मतलब साफ है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का मतलब बॉम्ब के अंदर मैटर मौजूद है, जिसमें बॉम्ब के गिरते ही न्यूक्लियर फिशन नाम का एक रिएक्शन होता है, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट एटम्स के न्यूट्रॉन्स को आपस में कंबाइन करने की कोशिश की जाती है, जो कंबाइन होते ही लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज करते हैं। सो देख रहे हो, मैंने ये स्क्रीन के पीछे बैठे बैठे तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया कि मास से एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, और अगर वो सेम फॉर्मूला को मास के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए तो वो बन जाएगा m=E/c². यानी हमें एक ऐसा रिएक्शन करना पड़ेगा जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमें पार्टिकल दे दे। हालांकि ह्यूमंस आज की टेक्नोलॉजी में इसे अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अप्रूव्ड है कि ऐसा हो सकता है। सो अगर मैं क्वेश्चन पे वापस आऊं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और इस एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को प्रूव करता है पोकेमॉन में दिखाए जाने वाले कुछ सीन्स, जो है ये। पोकेमॉन जैसे ही इंजर हो जाता है, उसको तुरंत पोकेबॉल में ले लिया जाता है, फिर कुछ ही देर बाद वो पोकेमॉन अंदर से हील होके बाहर निकलता है। अब ये नहीं कहना कि नहीं समझा ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट इसको कैसे सपोर्ट करता है। देखो यार, ये तो बेसिक है, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। अब जब पोकेमॉन इंजर्ड होके पोकेबॉल में जाएगा, तो वो एनर्जी बन जाएगा, फिर जब वापस आएगा एनर्जी कन्वर्शन के वक्त, एनर्जी पूरे मास में ही कन्वर्ट होगी ना, यानी एक स्वस्थ हेल्दी पोकेमॉन। हेंस प्रूव्ड, पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो पोकेमॉन के कई सारे एपिसोड्स में दिखाया गया है, वो यही है कि पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर कॉन्शियस है, मतलब सिर्फ उनका साइज छोटा हो जाता है और वो उसके अंदर कैद हो जाते हैं, जिसका प्रूफ है ये। फ्रोकी के पोकेबॉल में जाने के बाद जब एश उससे बात करता है, तो पोकेबॉल हिलता है, यानी पोकेमॉन बॉल के अंदर कॉन्शियस है। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? साइंटिफिकली कहे तो नो, दिस इज जस्ट पॉसिबल इन कार्टून, क्योंकि किसी भी चीज को उसकी कॉन्शियसनेस के साथ श्रिंक करके कहीं स्टोर नहीं किया जा सकता, तो ये डेफिनेटली एक फिक्शन ही हो सकता है। अब फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है इस पे? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बिल्कुल शेयर करना, और साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि डॉग्स या कैट्स, आप इन दोनों क्रिएचर्स में से कौन से जानवर को एज अ पेट चुनना चाहोगे? विद दैट सेड, वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना।